लड़की के लिए बहुत कोई बोल रहा है कि रिलीजन पर ला रहा है मुस्लिम लोग है ये है वो, बट ये तो एटलीस्ट गलत है ना। मैं ये दोनों बहनों से पूछ रहा हूँ, सो सको उसके लिए 2 मिनट के लिए हम लोग प्रे करना चाहते हैं। लड़की को मारता है यार, क्यों मारता है यार किसी लड़की को, क्या मिलता है मार के? लड़की लोग को मारना चाहिए यार। आज ये श्रद्धा का ऐसा हाल हुआ, लेकिन कल को आप लोग का भी ऐसा हाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी के टाइम किसी को ऊपर कोई भरोसा करने लायक नहीं है। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। देखो लव करो, लेकिन हाँ जब आपका बॉयफ्रेंड आपको एक थप्पड़ मारे तो आप भी दूसरा थप्पड़ उसे मारो, क्योंकि जब कोई आपको मार सकता है तो आप क्यों नहीं मार सकती हो यार। मैं सिर्फ उसको नहीं बोल रहा, हर गर्ल को बोल रहा हूँ, जितनी मेरी बहन लोग हैं। मैं हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग बहुत अच्छे हो, कुछ ठीक चल रहा होगा। एंड मैं एक चीज़ बताता हूँ गाइस तुम लोग को, आज मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कुछ प्रैंक वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आज मैं किसी के लिए इंसाफ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं तुम लोग एक चीज़ बता देता हूँ, मैं बहुत अंदर से हर्ट हूँ, बिकॉज हर्ट इसलिए हूँ कि वो भी किसी और के लिए नहीं, एक बहन के लिए हूँ, वो भी वो बहन जिसका नाम है श्रद्धा, 35 पीस काटा गया जिसको, 35 पीस, वो भी और कोई नहीं, उसका लिविंग पार्टनर काट दिया उसको, एक लड़का से वो सिर्फ मोहब्बत करती थी, उसके साथ लिविंग रिलेशन में थी, तो उसका वही लड़का जिसके साथ वो लिविंग में थी उसको काट दिया गया। तुम लोग को ये ब्रेकिंग न्यूज पता होगा, ये दिल्ली का कहानी है शायद, मेरे ख्याल से बहुत हर्ट हुआ यार अंदर से, जो नहीं है दिल टूट गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो भी किसी लड़की के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है यार, वो भी एक लड़का और बोली हम लोग का मुस्लिम रिलीजन का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है यार, बहुत गलत हुआ यार उस लड़की के लिए अंदर से ना यार। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि कोई लड़का एक लड़की को इस हद तक क्यों यार, आखिर क्या गलती था वो लड़की का, सिर्फ यही बोली थी ना वो कि शादी करो मुझसे। अगर तुम किसी के साथ लिव इन रिलेशन में, कोई भी लड़का किसी के साथ साथ में सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसके साथ वो लोग रह रहे, तो अगर वो लड़की बोली मुझसे शादी कर तो क्या गलत बोली यार, तो उसका इतना खराब से उसके साथ ऐसे किया जाता है, किसी का ऐसे मर्डर कोई कर सकता है यार। मैं अंदर से बहुत हर्ट हूँ गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मतलब वो नहीं हर लड़की के साथ, ये एक नहीं बहुत सी लड़की के साथ ऐसा हो, पर ये केस बहुत डेंजर हो, जो मुझे सुन के अंदर से बहुत ज्यादा खराब लगा, बहुत खराब है। एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसी फेम पाने के लिए नहीं, ना ही मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, ये वीडियो मैं उस बहन के लिए जो श्रद्धा है उसको मैं बहन बोल रहा हूँ, उस सिस्टर के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इंसाफ हो, जस्टिस मिले उसको, उसको इंसाफ मिले, और मैं उसके लिए बहुत कुछ सोच करके रखा हूँ। तो गाइस जो हुआ बहुत गलत हुआ गाइस, मैं एक ही बात बोलूंगा, प्लीज यार तुम लोग ये वीडियो पूरे एंड तक देखना, मैं ये नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करो यार, मेरे वीडियो को लाइक करो, पर मैं ये जरूर बोलूंगा शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर करने से किसी को इंसाफ मिल सकता है, वो भी उस लड़के को इंसाफ मिल सकता है, वो मादरचोद लड़का जो अपने लिविंग पार्टनर का 35 टुकड़ा काट दिया, उसको इंसाफ मिलेगा। बट कैसे इंसाफ मिलेगा मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वो लड़का का हाथ पैर तोड़ दो और बीच शेर का बीच में उसको ऊपर से गिरा दो, जब उसका 100 टुकड़ा हुआ तब उसको समझ में आया कि गलत क्या होता है, वो क्या किया था श्रद्धा बहन के साथ, बहुत गलत हुआ यार। और सबसे बड़ी बात, एक लड़का मैं उसको नहीं, बहुत कोई लड़की को मारता है यार, क्यों मारता है यार किसी लड़की को, क्या मिलता है मार के? लड़की लोग को मारना चाहिए यार, बहुत अंदर से जो नहीं है मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उससे पता है हम लोग का रिलीजन बदनाम हो रहा है कि मुस्लिम लड़का था इसीलिए ऐसे किया यार, ये हिंदू मुस्लिम मत करो यार, वैसे देखोगे तो आप लोग भी तो बहुत कुछ किए हो यार, एक बच्ची का रेप किया आप लोग, तो उसकी वजह से मैं सब हिंदू को बोलूँ तो आप लोग भी क्यों बोलते हो यार कि सब मुसलमान ऐसे होते, ये तो एटलीस्ट गलत है ना। मैं बहुत सारा मीडिया में देखो कमेंट पढ़ा हूँ, बहुत सारे हिंदू लोग बोल रहे हैं कि ये मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, एटलीस्ट ये तो गलत है ना यार, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मुझे बहुत आप लोग देखोगे मैं उस लड़की के लिए क्या किया हूँ, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट ये देखो मैं श्रद्धा बहन के लिए ये वाला फोटो मतलब प्रिंट करा करके अभी निकाला हूँ, जस्ट अभी निकाला हूँ, ये थोड़ा मुड़ा गया है, और इसे लेकर के अभी जाऊंगा मैं कहीं भी कोई भी जगह लेकर के जाऊंगा, बहुत किसी को इसके बारे में बताऊंगा, एंड ये तो मैं सोच कर उसको बताना है, एंड उसके बाद ऐसे इसको कोई भी लड़की बोलेगा इसको ऐसे पकड़ो और इसको एक फोटो की, बहुत अंदर से मैं गिल्टी फील हुआ यार, बहुत इतनी अच्छी लड़की थी यार, क्या खराबी है इसमें, क्यों हुआ यार ये लड़की के साथ ऐसा, आखिर क्यों हुआ, शायद वो बोलती थी मुझसे शादी कर लो इसलिए हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, ये बहुत गलत हो गया, एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, ये बहुत, ये सिर्फ एक लड़की नहीं, ये बहुत लड़की के साथ, मैं बहुत लड़की को देखा हूँ यार कि बॉयफ्रेंड से मार खाती है, माँ बहन का बॉयफ्रेंड गाली देते, तो गाली क्यों सुनती हो यार तुम लोग, क्यों सुनती हो, प्यार कर तू प्यार करना मरे, लेकिन प्यार में जब कोई तुम्हारा माँ बहन एक करे तुमको मारे तो ये तो गलत है ना। आज ये श्रद्धा का ऐसा हाल हुआ, लेकिन कल को आप लोग का भी ऐसा हाल हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, अभी के टाइम किसी को पर कोई भरोसा करने लायक नहीं है। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। देखो लव करो, लेकिन हाँ, जब आपका बॉयफ्रेंड आपको एक थप्पड़ मारे तो आप भी दूसरा थप्पड़ उसे मारो, क्योंकि जब कोई आपको मार सकता हो तो आप क्यों नहीं मार सकती हो यार। मैं सिर्फ उसको नहीं बोल रहा हूँ, हर गर्ल को बोल रहा हूँ, जितनी मेरी बहन लोग हैं मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे ना यार, तो आप भी उसको दूसरा थप्पड़ खींच के मारो। वो भी कोई नहीं आपका बॉयफ्रेंड मारा, आज वो आपको थप्पड़ मारा है तो कल आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है, आपका गले भी दाब सकते हैं वो। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आप लोग जितने लड़की हो मार खाना छोड़ दो बॉयफ्रेंड से। खाती हो अपने मम्मी पापा का, मारे हो कोई अननोन लड़का, वो भी वो जिससे आप लव करती हो। प्यार एक बहुत अनमोल चीज होता है यार, मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं नहीं बोलूंगा। मैं अभी एक जगह जाने वाला हूँ जो मैं श्रद्धा का ये वाला फोटो मैं सबको दिखाने वाला हूँ, और मैं उन लोग को बोलने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला हूँ उन लोग से कि उनको इंसाफ दिलाए, सबको श्रद्धा का फोटो लगा करके अपने अपने स्टेटस में शेयर करें, एंड मेरे ये वीडियो को सबको शेयर करें जो श्रद्धा को इंसाफ मिला। एंड मैं सिर्फ उनसे नहीं, मैं हर किसी को, तो नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक ऐसा नियम लागू करें आप लोग, जो ये इस तरह का इंसान जो मर्डर करता है लड़कियों का, जो रेप करता है, उन लोग का कहानी खत्म हो जाए यार। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ममता बनर्जी जी, मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, और भी बहुत कोई, अमित शाह जी, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज ये सब खत्म करो। आप लोग के हाथ में सब कुछ, पूरा हिंदुस्तान आप लोग के हाथ में, आप चाहो ना मोदी जी तो सब कुछ हो सकता है। प्लीज मोदी जी श्रद्धा दीदी को इंसाफ दिलाओ, आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलो हम लोग चलते हैं बाहर और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ उसको लेकर के, ये फोटो को लेकर के, तो गाइस देखो पीछे में दो लड़की है, मैं उन लोग से बात करता हूँ कि इसके साथ जो हुआ गलत हुआ या सही हुआ। तो मैं वही बोल रहा था आपको कि आपको इस लड़की के बारे में तो पता ही होगा इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक अपना लिविंग पार्टनर के साथ थी रिलेशनशिप में, एंड इसका मतलब 35 पीस काट करके कर दिए गए। तो आप लोग का क्या रिएक्शन? तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ तो होता ही नहीं है, बट जो हुआ गलत हुआ इसके साथ। एंड इसके लिए पता है क्या किया जा रहा है, इसके लिए इस लड़की के लिए बहुत कोई बोल रहा है कि रिलीजन पर ला रहे हैं मुस्लिम लोग है ये वो, बट ये तो एटलीस्ट कोई बेटर नहीं करता। बट मैं ये दोनों बहनों से पूछ रहा हूँ कि ये जो हुआ आप लोग कभी राय गलत है, एंड मैं आप लोग से हेल्प लेना चाह रहा हूँ, इसको मैं जस्टिस चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग सब कुछ आदि की जस्टिस मिले इंसाफ मिले। तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसके लिए आप लोग थोड़ा तुम लोग देख सकते हो कि दो लड़की से पूछो, दो प्यारी प्यारी बहनों से मैं पूछा हूँ कि ये चीज गलत हुआ या सही हुआ, तो वो लोग भी यही बोली कि बहुत गलत हुआ। एंड अब यहाँ से जाना है और भी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ किस लिए हुआ, के लिए प्रे करवाना है कि वो जहाँ भी है उसका बॉडी को शांति दे, हमेशा प्रे करूंगा। बहुत अच्छी थी यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे देख करके कि ऐसा हुआ है। तो भाई अब चलो यहाँ पर तो आ चुके हैं, दो तीन लड़का लोग बैठे हैं, उन लोग से पूछता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। दो लड़की से ही पूछा हो, फिर उसके बाद दो तीन लड़का, चलो आप उनसे बात करें। वो देख सकते हो मेरा कैमरा है, और मैं छोटा सा वीडियो शूट करो, आप इस लड़की से जानते हो श्रद्धा को?
ये एक लड़का के साथ रिलेशन में थी, वो भी लिविंग रिलेशन था, ये एक हिंदू रिलेशन से और वो लड़का मुस्लिम भी है। बट यहाँ पे क्या हुआ पता है, ये लड़की उस लड़के के लिए अपने मम्मी पापा को भी छोड़ दी, उससे शादी करने के लिए, तो उसको मम्मी पापा को छोड़ के इस लड़के, उस लड़के जिसका नाम अफ्ताब है, उसके साथ ये भी रिलेशन में थी। और ये लड़की कहाँ उसको बोली थी कि तुम उससे शादी कर लो, तो शादी करने जब बोली तो वो लड़का इसका मर्डर कर दिया, और मर्डर करके 35 उसका बॉडी का किया है, और बॉडी का करने के बावजूद फ्रिज के अंदर उसका बॉडी का मतलब सारा डिटेल्स रखा था। तो ये आपका ओपिनियन क्या है, गलत हो या सही? बहुत ही ज़्यादा गलत है, मतलब सरकार से इसके ऊपर कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसके बाद सोच नहीं ला पाए, कहना भी मतलब सोच नहीं ला पाए, कड़ा की कड़ा सजा मिलना चाहिए उस लड़के को, ऐसा सजा मिलना चाहिए कि दोबारा कभी कोई नहीं करे, या रेप हो या कुछ भी हो। पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कौन सा डिसीजन दे रहे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना मेरे हिंदू भाई मुस्लिम भाई क्रिश्चन है जो भी है सिख भाई, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर रिलीजन को बीच में मत लगा, क्योंकि बहुत कुछ बोल रहा कि हिंदू मुस्लिम लगा देखिए क्या लगे, मुस्लिम मैं भी हूँ, मेरा कैमरा मैन भी है, भाई हिंदू है, तो हम सब साथ मिलकर इस लड़की के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस लड़की से काम मिले, तो उसके लिए हम लोग बहुत अफसोस है, तो उसके लिए बहुत मैं प्रे करना चाहता हूँ। जो भी हुआ उस लड़के के साथ ऐसा होना चाहिए, अल्लाह से यही दुआ है, इनका भगवान से भी यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए, तो बस यही बोलना चाहूँगा। अब देखते हैं, बहुत किसी को बोला मैंने, बहुत लड़कियों को कहा कि बहुत लड़की लोग डर रही है, बोली कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, हम लोग को डर लग रहा है कहीं हम लोग के ऊपर कुछ केस हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भाई मुझे सपोर्ट किया और भी लोग मुझे सपोर्ट किया, एंड दो लड़की भी थी तुम लोग देख सकते, बस यही बोलना चाहूँगा एंड गाइस, चलो कोई नहीं, भाई के साथ एक फोटो क्लिक कर लो। तो गाइस लोग देख सकते हो कि सबसे मैं पूछ रहा हूँ, अब साजिद से पूछ रहा हूँ, साजिद अभी तक साजिद का हम लोग पूछे नहीं कि क्या है उसका बोलना क्या है, इस मैडम उसका क्या रहा है, तो साजिद से क्या बोलेगा इस बारे में बताओ। मैं तो बोलूँगा भाई जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, हम लोग के भी घर में मार खाएंगे, अगर दूसरा का मार नहीं होगा तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए, अब आगे खाना बहुत जरूरी है, अगर हम लोग तो आगे चल के हम लोग का जो होगा बच्चा लोगों का भी हो सकता है, आज अगर हम लोग का वो लड़की का हुआ तो कल किसी का भी हो सकता है, किसी बहन के साथ हो सकता है, किसी का भी बहन के साथ, तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने गले, अगर तुम्हें कोई लड़का अगर एक थप्पड़ मारता है तो तुम भी घूम कर मारो, ये मत देखो कि तुम्हारा मन नहीं, लव करो मना नहीं, मोहब्बत करना मना नहीं, पर ये क्या मारना पीटना किसी लड़की को, गाली लड़की को गाली दिया जाता है यार, ये बताओ ना, किसी लड़की को सबसे बड़ी बात गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए, देख लो यार कितनी अच्छी लड़की थी, कितनी प्यारी लड़की थी मेरी बहन, ये लड़की के लिए मैं लड़ूंगा, इसके इंसाफ के लिए मैं लड़ूंगा, हर एक जितना कॉल करा मैं खाना है जितना खाना है सबको हैशटैग करूंगा, सबको टैग करूंगा, सबको जिसका इंसाफ हो, ये लड़का तो मारा नहीं ये लड़का उसका 35 किया हुआ है, तो वो लड़का को हाथ में तोड़ के ऊपर से फेंक दो शेर का पीस है और सब शेर उसको खा ले, तब समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है लड़की का। प्लीज़ भाई आप लोग मेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ या इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, इसको इंसाफ दिलाए, इस लड़की को इंसाफ दिलाओ, इसके लिए मैं दिल से प्रे किया हूँ, ये लड़की कहीं भी हो इसको मेरा अल्लाह या उनके इसके भगवान या मेरा अल्लाह हो, इसको दिल से मैं उसके लिए प्रे किया हूँ, इसका बॉडी को शांति हो, इसको अच्छा जगह रहे, जो इसका जो भी गलती आज तक लाइफ में जो भी भूल के इसको सारा भूल का माफी मिल जाए, बस मैं यही दुआ करूँगा इस लड़की का, और इसको अल्लाह ताला या भगवान इसका बॉडी को इसका मट्टी को शांति दे, क्या बोलेंगे। सुनिए यार आप लोग से एक बात बोल रहे हैं, अगर ये हमारी दीदी या बहन देख रही है तो ध्यान से सुनिए, किसी का साथ फिजिकल रिलेशन में मत आइए, क्योंकि वो लड़का कैसा हो आपको देखने नहीं लिए। चलो ठीक है गाइस, तो मैं अब यही बोलूँगा ये वीडियो को हम लोग को एंड करना पड़ेगा, जितना होना चाहिए उतना किया, जिससे इससे पूछना चाहिए था मैंने पूछा, मैंने बहुत लड़की से ट्राई किया था बोलने का कि प्लीज़ आप लोग कर दो, आप लोग हेल्प कर दो, एक लड़की का देखिए बहुत सी लड़के लोग डर रही है कि कहीं कुछ ऐसा बात हो तो लोग प्रॉब्लम, बट कोई नहीं गया, जिससे जिससे वो किया, एंड मैं एक चीज़ आप लोग और बता देता हूँ, बस उसके लिए आप लोग प्रे करो कि ये कहीं भी हो खुश हो, एंड इसके साथ जो भी हुआ गलत हो इसको जस्टिस मिल जाए, उसको इंसाफ मिल जाए बस, एंड चलो बाय। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि आगे चलो कोई देखे, इस वीडियो में ना सब्सक्राइब चाहिए ना लाइक चाहिए, बस शेयर चाहिए, लड़की को इंसाफ मिले, बस यही चीज़ बोलो, और मैं जितना खाना दुनिया का जितना खाना हम लोग को मिलेगा मैं सबके सामने इस लड़की के लिए इससे दीदी के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, जिसको इंसाफ दिला दो आप लोग प्लीज़, मैं इसे हाथ जोड़ता हूँ आप लोग के आगे, बस ठीक है चलो बाय, इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, इसके लिए प्लीज़ अच्छा।